नमस्ते प्यारे बच्चों, नवांकुर संगीत विद्यालय की सायंकालीन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम राग अड़ाना में ध्रुपद सीखेंगे। इसको गाने से पहले कुछ मुख्य बातें इसके विषय में बताना चाहता हूँ कि ध्रुपद एक गायन शैली, एक गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। यह ध्रुव धन पद अर्थात जिसके नियम निश्चित हों, नियमों से बंधा हुआ हो, से बना है। ध्रुपद की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के कई मत हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि इस गायन शैली की उत्पत्ति राजा मानसिंह तोमर ने की, जो कि ग्वालियर घराने के राजा थे। ध्रुपद गाने से पहले विस्तृत नोम तोम आलाप किया जाता है, क्योंकि उसमें बीच में ना तान अलाप कुछ नहीं लेते। इसके भी चार भाग होते हैं, अंतरा, स्थाई अंतरा, संचारी आभोग। और इन्हीं में, इन्हीं गीतों को बोल में लयकारियां बताई जाती हैं, जैसे दुगुन तिगुन चौगुन इत्यादि दिखाते हुए हम इसको गाते हैं। राग अड़ाना थाट आशावरी से उत्पन्न हुआ है। इसका बादी स्वर तार सड़ज संबादी पंचम, जाति इसकी साढ़ संपूर्ण है और गायन का समय रात्रि का तृतीय पहर और प्रकृति इसकी चंचल है। यह राग दरबारी कानरा से मिलता जुलता हुआ राग है, परंतु अंतर इतना ही है कि इसको तार सप्तक में अधिक गाया जाता है, यानी तार सड़स से ऊपर गाया जाता है, जबकि अड़ाना को मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में अधिक गाती है। इसके बोल हैं, नीर छीर मिले दो एक धार होए रहे, नीर छाण हंस जैसे छीर को गई हेतु है। अंतरे के बोल हैं, कंचन में और धातु मिलकर बान पार्यो, शुद्ध कर कंचन सुनार ज्यों रहे हेतु है। इसके आरोह अवरोह इस प्रकार है, सारे आलाप नोम तोम dum 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 dum
Me.
अब चौवन होगी। सुद कर कंचना सुना।